पब्लिक को, या पब्लिक को गुमराह करना, अभी मेरे को पार्टी हाथ टिकट मिल गया है, अभी मैं कैंडिडेट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अभी ऊपर तो हाईकमांड में जो है ना गुटबाजी है, नीचे ना करो गुटबाजी, ऊपर से लेकर नीचे तक गुटबाजी ना बनाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BN24 में। मैं हूँ आपके साथ दीपक पोपड़ा, और आज हम पहुंचे हैं असंध के गणेश मंदिर के पास। कुछ कांग्रेसी सदस्य है, कांग्रेस पार्टी के इकट्ठे हुए हैं, उनका कोई रोष है। एक सोशल मीडिया पर जो पोस्टर वायरल किया जा रहा है होली मिलन समारोह को लेकर, एक कैंडिडेट खुद को असंध नगर पालिका चेयरमैन पद का उम्मीदवार बताते हुए साथ में कांग्रेस पार्टी का लोगो लगाकर कुछ इस प्रकार से प्रचार कर रहा है, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि हमें कांग्रेस पार्टी का जो ऊपर से इशारा मिल चुका है। तो इसको लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके अंदर रोष हैं। तो आइए बातचीत करते हैं उनको, उनसे भी आखिर उनका क्या कहना है। तो राम राम। राम राम जी। एक पहले तो वो पोस्टर दिखाओ जिसको लेकर विरोध शुरू किया आप लोगों ने। अच्छा, ये है वो पोस्टर? हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये रात मिला हमारे को पोस्टर जी, जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई फैसला नहीं होता ऊपर से टिकट के बारे में, कोई भी ऐसे पोस्टर अगर छपवाएगा तो उससे पार्टी का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके नीचे कर लीजिए थोड़ा जी। अच्छा, तो इसमें क्या गलत है, क्या गलत मानते हो आप? इसमें ये गलत मानते हैं कि जैसे हम सबसे पुराने यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमने 75 में दफ्तर खोला था, मेरे को अध्यक्ष बनाया था चौधरी चंदा सिंह ने, दिले के प्रधान ने, रामकृष्ण MLA जनरल सेक्रेटरी होते थे, हमारे दफ्तर का मुहूर्त कराया, पंडित चरणजी लाल भी आए थे दफ्तर में, तेजी मान भी आए थे। तो हम कार्य कर रहे हैं शुरू से, तो हम जब इकट्ठी पद यात्रा भी अम्बाड़े से चंडीगढ़ गए, फिर हमारे को जेलों में दिया, फिर हमने विधानसभा घेराव कराया जब हम जेलों में गए, लोकसभा संसद का घेराव किया जब हम जेलों में गए। अगर हमारे से बिगार पूछे संद में कोई आदमी हमारे से अपरिचित आएगा जिसको हम जानते नहीं, तो पार्टी की छवि खराब हो गई, तो हमारे को धक्का लगेगा इस बात का। हम चाहते हैं कि अच्छा आदमी खड़ा हो, जैसे डॉक्टर सरवण को यहाँ से टिकट मिला था 1987 में, उस टाइम कोई लेने वाला नहीं था, देवीलाल की लहर थी, उसकी जमानत भी बची, 20,000 वोट मिले, उसका लड़का यहाँ से खड़ा होना चाहता है जिसका हक बनता है, और साफ छवि का है, बाजार के अंदर डॉक्टर की दुकान करता है। तो हमारी ये प्रार्थना हाईकमांड से भी, पब्लिक भी चाहती है उसको, भाई ऐसे आदमी को खड़ा किया जाए, या सर्व इकट्ठे होकर मिलकर बैठ कर, अभी कोई फैसला नहीं हुआ इसके बारे में। अंकल जी, जब ये आपकी पार्टी का होगा तभी इन्होंने ये ऐसा लोगो लगाया होगा? हमें नहीं पता, जब हमारी मीटिंग में मेरी में तो कभी आया नहीं, 12 साल में अध्यक्ष रहा, मैं जिले का जनरल सेक्रेटरी रहा, हरियाणा प्रदेश का, जब हमें जानता है अभी तक भी नहीं मेरे पास आया, जी मैं शुरू से सबसे पुराना कांग्रेस का हूँ, कम से कम ये पोस्टर वगैरह छपाए है, न्योता दे रहा है अभी सिटी पैलेस में, मेरे पास अभी तक भी नहीं आया, तो फिर मैं क्या कहूँगा इसके बारे में, कैसे मैं इसके वोट दबाऊंगा? अच्छा, आपके अंदर गुस्सा ये है क्या, ये मेरे पास नहीं आया, या फिर ये गुस्सा है कि पार्टी का लोगो लगाकर प्रचार कर रहे हैं? प्रचार बार हमारे को पता भी नहीं, हम पार्टी के सबसे सीनियर नेता है यहाँ से, मेरे से बड़ा कोई नहीं इस टाइम, ये मेरा साथी एक जयभगवान जेल यात्री की बच्चा। अच्छा जी, हाँ जी, जयभगवान जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सर, आपका क्या कहना है जो इस तरह से प्रचार किया? मैं जयभगवान कोसी का संत जी, वार्ड 11 जी, जब से मैंने छोटी संभाली, जब से मेरा वोट पड़ा वो कांग्रेस में गया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के सिवा किसी में नहीं गया, जो ये लोबो रखा है कांग्रेस पार्टी किसी ने लगा रखा है, ना तो हमने रात देखा ना तो ये आदमी हमारी पार्टी में कभी आया, ना हमारे साथ रहा, 4-5 बार हमने जेल काटी है, अम्बाला से चंडीगढ़ तक, अम्बाला से रोहतक तक प्रगति पद यात्रा करी है, संसद का घेराव कराया, विधानसभा घेराव कराया, कभी हमारी पार्टी में तो ये आया नहीं, दिखाई नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो मैं अपनी हाईकमांड से भी ये करूँगा भाई, ये गुटबाजी खत्म करके यहाँ भी शहर में भी गुटबाजी ना अपनाए, और जो पार्टी आदेश देगी सिंबल पर इलेक्शन लड़ना तो हम सिंबल पर लड़ेंगे, नहीं पहली बात तो यह अभी तो पार्टी ने फैसला नहीं किया किस चीज़ पर इलेक्शन लड़ेगी, जैसे पार्टी के आदेश होंगे सीनियर नेता के उन्हीं के साथ हिसाब से चलेंगे, वो तो जी गोगी साहब से जो पार्टी के वर्कर हैं जो उनके नज़दीकी हैं उनसे बातचीत करिए, कहने का मेरे पता नहीं, कोई भी निशान लगा लो जी, हमारी फोटो लगा ली, हमें कोई इतराब नहीं दी, उन्होंने दिया क्या, बाकी उनको पता नहीं है इस बात का। अच्छा, किससे बात हुई आपकी, बताओगे जरा? अभी अब चोपड़ा गया था हमारे पास जी। हाँ जी, वो कहने लगा जी हमें तो पता नहीं, अगर आप भी लगा लो। चोपड़ा जी की भी फोटो है उसके? हाँ, चोपड़ा जी कहने लगा जी लगा लिया, हमें कोई पता नहीं, ना हमें कोई इतराज है, लगा लो, कोई भी कैंडिडेट लगा सकता है। अच्छा, तो उनकी अपनी सहमति है, हम भी एक अभी अगर पार्टी से आदेश कराना तो लगा ले, वैसे ये जो है ना अफवाह को या पब्लिक को गुमराह करना, अभी मेरे को पार्टी हाथ टिकट मिल गया है, अभी मैं कैंडिडेट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ना भी कोई पार्टी ने फैसला किया।
ना अभी कोई पार्टी ने फैसला किया और जिनकी फोटो लगी हुई है वो कह रहे हैं कि हमें अभी कोई पता नहीं इसके बारे में, हमें कोई इसके बारे में पता नहीं है, लगा ली कोई लगा ली। चलो जी, कोई लगा सकता है पार्टी का लोगों, वो कह रहा है कि चलो भी सिटी का मामला थोड़ा ऐड हो जाए, कोई बात नहीं जी। अभी मतलब पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया, पार्टी ने कोई फैसला, हाँ तो आप इसका विरोध कर रहे हो? हम ये कहेंगे भी अगर ये मतलब पार्टी जो जिन साथियों के वो लगे हुए हैं फोटो लगे हुए हैं, मैं तो ये कहूंगा अभी ऊपर तो हाईकमांड में जो है ना गुटबाजी है, नीचे ना करो गुटबाजी, ऊपर से लेके नीचे तक गुटबाजी ना पड़ा। तो ये भी एक गुटबाजी की तरफ, हाँ ये गुटबाजी हो जाएगी अगर वो मतलब उन्होंने समर्थन कर दिया, गुटबाजी अपने आप हो जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगा सारे मिलके चले और जो लायक कैंडिडेट जो शहर का विकास करा सके, मैं तो कहूँगा बल्कि संघ को जिला बनवा सके, ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को, चाहे आजाद हो चाहे कैसे भी हो। नहीं कर आजाद तो नहीं, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम तो नहीं कर दूसरी पार्टी को। शहर में, शहर की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई कैंडिडेट आना चाहिए जो शहर का विकास कर सके, शहर का विकास करे, शहर को चांद लगा सके, जिससे यूनिवर्सिटी, हाँ जी हम उसके साथ हैं। जो शहर को आगे बढ़े, गरीब आदमियों की मदद करे, गौशाला की अपना योगदान दे, जो आना जिनका कोई गुजारा नहीं उनका प्रबंध करे, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। यदि कोई इस तरह गुटबाजी करके खुद को अपने आगे लेके आएगा, चाहे वो आपकी पार्टी को, आप उसका विरोध करोगे? हाँ हाँ जी, हम तो विरोध करेंगे। अरे कोई गुटबाजी बनाएगा, पार्टी जिसको देगी हम उसके साथ हैं, जिसको पार्टी देगी हम उसके साथ, जो पार्टी का आदेश होगा, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, तय दिल से साथ हैं, उसको जिताएंगे। शहर का पोस्टर देखा है? देखा था अभी। इसमें क्या कमी लगी आपको? इसमें ये कमी लगी अभी जो है ना पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। जब तक ये आदमी, हमने आज तक अपनी मीटिंग में देखा कभी ना हमारी इससे बातचीत हुई है, भाई मैं कांग्रेसी हूँ, क्या चलो फोटो लगा ली कोई बात नहीं, कम से कम आगे तो बताए भी मैं कैंडिडेट हूँ, मैं आपके साथ ही, आपका सहयोग चाहिए, हमारे बात से ऐसी कोई बात नहीं आई। अच्छा, अब तक यानी कि जो पार्टी के सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात नहीं हुई? हाँ, हमारी उनसे मुलाकात नहीं, हम तो मिलकर जानते भी नहीं, ना वो हमारे को जानता ना मैं उसको जानता, हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर मैं 5-7 फोटो आपको दे दूँ, नहीं 5-7 शहर की दे दूँ, अरे ये कहूँ इनमें देखिए जयगान कौन सा है, तो वो नहीं पहचान सकेगा। हाँ, जयगान कोशिक कौन है वो नहीं पहचान सकेगा ना, हम जानते उसको। तो आप पार्टी से क्या मांग करते हो, किस कैंडिडेट को उतारा जाए? साफ छविया कैंडिडेट हो जो सीट निकाल सके, शहर का विकास करा सके, हम उसके साथ हैं, पार्टी के भी साथ है और उसके साथ है। एक युवा साथी, एक हेलो जी, हाँ जी, ये जो बाकी है ना हमारा संस्थासी में कांग्रेस का कैंडिडेट था डॉक्टर शरण कुमार जी, उस टाइम इसकी देवीलाल की लहर थी, देवीलाल के कारण सिर्फ हरियाणा में 5 MLA बने थे। अच्छा, उसके जो 68 MLA इसके बने थे इनेलो के, लोकदल के, और 17 बने थे BJP के और 5 बने थे कांग्रेस के। हमारे डॉक्टर शर्मन ने 20,000 वोट लिए, अपनी जमानत बचाई और इसका संघ का प्रधान बनाया था बलबीर पाल सिंह ने। उसी परिवार से संबंधित है कमल लाडी, ये भी इसका दिल कर रहे हैं, हम कहते हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है अगर पार्टी इसको आदेश देगी, टिकट देगी, तो हम इसके साथ हैं और इसका पूरा सहयोग देंगे। हाँ जी, यानी कि पार्टी हाईकमान से इशारा मिलना चाहिए? हाँ, इशारा मिलना चाहिए, ये लायक लड़का, पढ़ा लिखा मेहनती लड़का है, साफ छवि का, आज तक किसी के साथ कोई क्यों अनबन नहीं है, शहर के अंदर बीच में बैठा है गुरुद्वारे के पास, साफ छवि का, अगर ये इसको पार्टी आदेश दे, टिकट दे दे, तो बाकी भी शायद है ना जमान जब्त करा देंगे, इतना इसका वो है सलूक। अच्छा जी, हाँ जी, इसके पिताजी का वैसा सलूक था, किसी के साथ ये ऊंचा नहीं बोल करा जी, गरीब आदमी की मदद करते हैं, हम तो इनके साथ हैं, अगर पार्टी इनको आदेश दे रहे सिंपल पे इलेक्शन हो, अगर सिंबल पे नहीं हो तो आजाद है, तो आजाद इनके साथ है फिर भी, ठीक है। देखो ये पंडित चरणजी लाल शुरू में बनने के बाद पहले आया पूनम करमचंद पूनम, जो MLA बने उसकी घराड़ी। अच्छा, ये बहुत पुरानी यादें हैं, पुरानी है मैं जी जी, और ये हमने फिर चरणजी लाल को मैंने तोलिया है, ये नोट दे रहा हूँ पंडित जी को, तोल रहा हूँ, ये लाला टीका राम भी खड़ा है, बराबर बाबू राम भी खड़ा है, सुरेश गुप्ता मतलब डे वाला खड़ा है, ये जो सेवा दल का हरियाणा का प्रधान बना था, ये पीछे थे हमारे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, एक युवा साथी, एक नहीं कई कैंडिडेट हैं, कई फोटो मैंने ऐसे देखी हैं जो पार्टी का लोगो लगाकर खुद को इस तरह से दिखा रहे हैं कि उन्हें पार्टी का टिकट मिल चुका है या पार्टी की तरफ से कोई इशारा मिल चुका है, क्या कहना चाहोगे? ये सिर्फ एक ढकोसला है, पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, किसी भी पार्टी ने भाई सिंबल पर चुनाव होंगे या नहीं, अगर कोई पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव कराती है या चुनाव आयोग कोई भी ऐसी प्रस्ताव पारित करता है तो उसके बाद वो देखा जाएगा, वो अपनी अपनी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को उतारेगी, हम जो शहर के लोग हैं हम तो सिर्फ उसी को चुनेंगे जो बिल्कुल पूरा शहर जिसको चाहता है। अच्छा, जिसको बढ़िया छवि हो, गौ माता की बात करता हो, दादा खेड़े जी की सेवा करता हो, आम पब्लिक को समझता हो, जैसे कुछ व्यक्ति मान लिया बेघर है बेचारे,
सड़कों पर है, उनकी व्यवस्थाओं को संभाल सके, उनके सोने का प्रबंध, खाने का प्रबंध कर सके। अच्छा। हम ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो हर एक आदमी की समस्या को निजी रूप से उसका समाधान कर सके। ऐसे पार्टी का लोगो लगाने से ये लोगों को मतलब लुभा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी मतलब जीत हो जाए, लेकिन हमें साफ स्वीकार जो जिसके घर में पहले ही मौजो जो सिर्फ सेवा करना चाहता वो व्यक्ति चाहिए। वो अगर ऐसे व्यक्ति कोई लगाने लग गया था, अगर कोई गलत चुनाव के कारण किसी पार्टी से अगर गलती से कोई टिकट मिल गया किसी को और वो नगर पालिका में बैठ गया, वो तो पहले अपना काम चलाएगा, पब्लिक का क्या काम चलाएगा। इसलिए हम तो वो आदमी चाहिए जो शहर का आदमी हो। आप कांग्रेस पार्टी से हो क्या? नहीं सर, मैं तो मतलब निष्पक्ष हूँ, मेरे कोई पार्टी आजाद है, हम तो एक सिर्फ शहर के आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी है। तो हम यही कहते हैं कोई व्यक्ति विशेष हो बढ़िया, जिसका मतलब मार्केट हो बढ़िया, ऐसा व्यक्ति को हिसाब छवि का हो, ऐसे व्यक्ति को हम चुनेंगे। जो बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना? देखो जो बाहर से आ रहे हैं या कुछ भी है, वो हमारे शहर के जो मौजूद लोग हैं जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो इसका फैसला बुजुर्ग करेंगे। अच्छा। भी कैसे करना, हम तो उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे। तो ना हो कोई दाग ना हो, कोई आरोप दागी बागी ना हो, क्योंकि हम दागी बागी को पहले भी कई बार चुन चुके हैं, लेकिन हम वो गलती कर नहीं करना। मैं आम पब्लिक से ही कहते हैं कि भाई दागी बागी को ना चुना जाए, सिर्फ साफ छवि को ही मतलब व्यक्ति को चुना जाए। बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं जो असन नगर पालिका चेयरमैन के उम्मीदवार है। तो राम राम। राम राम जी। मैं ये कहता हूँ कि पार्टी हाई कमांड मीटिंग बुला के और वो उसमें फैसला करे और उसका नुमाइंदा पार्टी का आवे तो हम उसके साथ हैं। और जो बाहर के ये लोग आ रहे हैं कूद रहे हैं, कोई सालवन का है कोई कहीं का है, हम इसके विरोधी हैं। शहर का आदमी होगा वो शहर की तरक्की करेगा और उसको लोग जानते होंगे, उसके पास काम के लिए भी जाएंगे। और जो आदमी बाहर से आ गया उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं शहर के लोगों के, वो शहर के लोगों का क्या काम करेगा और किसको वो कहेगा मैं आपके साथ हूँ। हम तो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे शहर का आदमी हो, प्राथमिकता है जो शहर वाले को दी जानी चाहिए। हाँ जी, शहर के आदमी को प्राथमिकता देनी चाहिए और अच्छा लायक और समझदार शहर का आदमी हो उसको वोट देंगे। एक सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग पार्टी का लोगो लगाकर और नीचे खुद को प्रत्याशी घोषित कर सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं, वो कितना सही है या गलत, ये जो पार्टी के सदस्य है वही बताएंगे। हम कोशिश करेंगे आखिर उन सदस्यों से भी बातचीत करने की, आखिर आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर। राजेंद्र सिंह रोकी मट्टू, तो हम बात कर रहे हैं राजेंद्र सिंह रोकी मट्टू से, आखिर उस पोस्टर को लेकर उनका क्या कहना है जो पार्टी के ही सदस्य हैं वे विरोध कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं राजेंद्र सिंह रोकी जी से। स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपके BN24 के जितने भी आपके दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टर आपने सोशल मीडिया पर डाला है, होली मिलन समारोह को ऐसा कुछ पोस्टर है, 12 तारीख का प्रोग्राम है आपका सिटी पैलेस के अंदर। हाँ जी, उसको इशू बना रहे हैं आपकी ही पार्टी के लोग कि आपने जो कांग्रेस पार्टी का लोगो उसके अंदर लगाया है वो सही नहीं है, वो लोगों को आप एक प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। सर लोगों वोट के चक्कर, सर लोगों को कहीं भी भ्रमित नहीं कर रहे, उसके अंदर सब क्लियर लिखा है। प्रत्याशी भाई राजेंद्र सिंह रोकी मट्टू चेयरमैन नगर पालिका असंध। जब कोई उम्मीद करता है, मेरी फर्स्ट उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से कि मैं उनको उनकी तरफ से उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे को टिकट वो दें और मैं असंध नगर पालिका चुनाव के लिए मैदान में उतरूँ, और उसके बाद जो दूसरी मेरी उम्मीद होगी वो होगी असंध की जनता से कि वो मेरे साथ जुड़े और मैं विश्वास बनाने का काम करूँगा सर। और रही बात इसके अंदर की, कहीं भी मैंने ऐसा क्लियर बिल्कुल नहीं कर रखा कि हाथ के पंजे का बटन दबाओ और रोकी मट्टू कामयाब बनाओ। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं उनसे मिल के बात क्लियर कर सकता हूँ कि ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को मैंने उलझाने वाला काम किया है, बिल्कुल क्लियर कट सारी वर्डिंग लिखी है। आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो लेकिन जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी का लोगो लगाकर अपनी फोटो वायरल कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, न्योता दे रहे हो लोगों को, तो लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस पार्टी ने इशारा किया है कि आपको टिकट मिल चुकी है, ऐसा कुछ है क्या? सर इशारा जब इंडिकेशन की बात कर रहे हैं वो बातें बात की हैं, इशारा किया या नहीं किया, लेकिन जो भी प्रत्याशी होता है उम्मीदवार होता है वो अपना दमखम दिखाता है और प्रयास भी करता है कि पार्टी को विश्वास में ले और पार्टी के साथ खड़ी होके और फिर नगर पालिका का चेयरमैन है उसके लिए वो सोच विचार करे।
तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि आप लोग गुमराह कर रहे हो या नहीं? सर बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे, वो हमारी पार्टी के लोग हैं, अगर उनकी कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम मिलके वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसा मेरे किसी के साथ मेरी कोई उलझन नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे संघ के वोटर हैं, चाहे दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं। वहां पर भाई ये बात क्लियर की गई थी कि जो मेरा खेमा है वो कांग्रेस पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये बोला कि मेरे को टिकट क्लियर हो गई है, मिल गई है। हमारा प्रयास है और प्रयास 100% फिट है कि हम पार्टी हाईकमान से रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि हमारे में अपना वो विश्वास जताएं। अभी तक तो ऐसा कोई बात सामने नहीं आई कि जो चुनाव होगा वो सिंबल पे ही होगा। सर ये इंटरनल बातें हैं, सिंबल पे होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा ही जो स्टैंड है हमारा वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। आप प्रत्याशी होने के साथ साथ असंध के वासी भी हो, एक वोटर भी हो, तो आप क्या अपील करना चाहोगे असंध की जनता से कि इस बार वो कैसा कैंडिडेट चुने? सर मैं असंध की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सारे पैरामीटर चेक करो, बंदे की एजुकेशन क्या है, बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बंदे की डीलिंग कैसी है, कितने टाइम से वो शहर के अंदर रह रहा है, उसका पास कैसा है। अगर पास नहीं देखोगे तो आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से मेरी जनता से अपील है कि आप सारे फॉर्मेट चेक करो, जो बंदा यहाँ फिट बैठता है उस हिसाब से वोट पोल करो, किसी के बगावे में आके वोट पोल ना करो, और 100% वोट पोल करने जाओ। याद पर बात में विश्वास नहीं करता, एक -% भी मैं भाईचारे में विश्वास करता हूँ और वही मेरी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल एक -% जात पात के विश्वास नहीं करता। और आपने देखा होगा शहर में कहीं ऐसा कभी धार्मिक संस्था इस इंडिविजुअल तरीके से नहीं जुड़ा हुआ। बाकी मैं सम्मान करता हूँ हर धर्म का, हर कास्ट का, हर मजहब का, लेकिन इस ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है कोई कि मैं जाति पाति में उलझा लूँ किसी को, जो अपनी जात के ऊपर वोट मांगूँ या अपनी कौम के। मैं जात पात के शुरू से ही खिलाफ था जी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब आज की बात कर रहा हूँ, शुरू से जात पात के खिलाफ हूँ। मैं भाईचारा को पसंद करता हूँ, भाईचारे के दम पे ही मैदान में उतरा हूँ। मैं 36 बरादरियों से मेरी अपील है कि वो सारे फॉर्मेट चेक करें और फिर वोट पोल करें। देखिए साथियों, आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह रोकी को, इनकी भी यही अपील है कि जब आप वोट देने जाओ तो आप हर चीज़ को हर पहलू से बारीकी से देखें और तभी अपना वोट दें। ऐसा ना हो कि आप चंद समय के अंदर और चंद लालच के अंदर आके अपने वोट को यूं ही कहीं गवा दें और बाद में उसको आपका हर जाना भुगतना पड़े।